साल 2014 में आखिरी बार बैंग बैंग फिल्म में नजर आए ऋतिक और कटरीना अब एक बार फिर साथ में दिखाई दे सकते हैं। दोनों की जोड़ी इस फिल्म के सीक्वल में नजर आ सकती हैं और खबर आई है कि इस फिल्म का नाम बैंग बैंग रिलोडेड होगा और ये टाइटल मेकर्स ने रजिस्टर भी करवा लिया है, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। बैंग बैंग फिल्म हॉलीवुड की फिल्म नाइट एंड डे का रीमेक थी जिसमें टॉम क्रूज और कैमरन डियाज थे। इससे पहले ऋतिक और कैटरीना जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले साल आई फिल्म डॉलर जेंटलमैन को लोगों ने बैंग बैंग फिल्म का सीक्वल समझ लिया था, लेकिन जल्दी ही मेकर्स ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंग बैंग फिल्म में ऋतिक और कैटरीना की जोड़ी काफी ही अच्छी लगी है और दोनों ने मिलकर फिल्म में काफी धमाल मचाया है। गौरतलब है कि कैटरीना आनंदेल रॉय की फिल्म जोड़ी और विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आने वाली हैं। वहीं ऋतिक विकास बहल की फिल्म सुपर 30 की शूटिंग में बिजी हैं। इसके बाद इनका अगला प्रोजेक्ट प्रिश 4 होगा।